कारण सहित उत्तर दीजिए कि निम्नांकित मदें पूंजीगत हैं या आयकर। पहला, कंपनी के निर्माण के संबंध में व्यय, लीगल एक्सपेंसेस इनकरेड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। दूसरा, बिजली गिरने से दो बैल मारे गए, लॉस ऑफ टू बुलॉक्स ड्यू टू थंडर बोल्ट। थर्ड, अखबार की रद्दी बिक्री से आए, सेल प्रोसीड्स ऑफ वेस्ट पेपर। फोर्थ, माल भेजने के अनुबंध के भंग करने पर चलाए गए मुकदमे के संबंध में व्यय, लीगल एक्सपेंसेस इनकरेड ऑन कोर्ट केस अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई गुड्स। फिफ्थ, आयकर की अपील पर व्यय, एक्सपेंसेस इनकम एक्शन विथ इनकम टैक्स अपील। नेक्स्ट, पूर्वदत्त बीमा प्रीपेड इंश्योरेंस। यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं कि कंपनी के निर्माण के संबंध में व्यय। अब कंपनी जब निर्मित होती है, स्थापित होती है, तो बहुत सारे व्यय हमको करने पड़ते हैं, जिसे हम प्रारंभिक व्यय कहते हैं, कंपनी के प्रवर्तन से, स्थापना से संबंधित व्यय कहते हैं। अब क्योंकि एक प्रकार से हमारा उद्देश्य तो कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त करना होता है, किसी भी कंपनी को स्थापित करने का उद्देश्य, तो कंपनी को स्थापित करने में बहुत सारी स्थायी संपत्तियां भी यूज की जाती हैं, बहुत सारी चालू संपत्तियां भी उसमें प्रयोग में लाई जाती हैं। कुल मिलाकर एक बिजनेस की स्थापना पर किया गया एक व्यय बड़ी मात्रा में यहाँ पर हमको व्यय करना पड़ता है। इसलिए इस तरह के जो कंपनी की स्थापना से संबंधित जो व्यय होते हैं, उनको हम पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंसेस मान लेते हैं। तो यहाँ कंपनी के निर्माण के संबंध में किए गए व्यय पूंजीगत व्यय माने जाएंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ हम देख रहे हैं, बिजली गिरने से दो बैल मारे गए। तो यहाँ पर जो बैल है, हमने पहले भी देखा कि अगर कहीं हम उसको बिजनेस पर्पस से यूज कर रहे हैं, तो वो भी एक स्टॉक की तरह ही होते हैं व्यापार में, जिन्हें हम लाइव स्टॉक कहते हैं। तो अगर इससे कुछ हमको प्रॉफिट होता है, तो वो हमको कैपिटल गेन ही मानेंगे हम उसको। अगर यहाँ पर क्योंकि एसेट्स हमने इसको मान लिया है, लाइव स्टॉक हमने इसको मान लिया है, और तो अगर यहाँ पे लॉस भी होता है, तो भी हम उसको कैपिटल लॉस ही मानेंगे। तो यहाँ पर ये जो हानि है बिजली गिरने से, जो बैल मारे गए हैं, इस तरह की जो हानि है, इसको हम पूंजीगत हानि ही मानेंगे। थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं, अखबार की रद्दी बिक्री से आए। तो ये जो व्यवसाय के इस तरह के जो आय होते हैं, छोटे मोटे जो स्क्रैप होते हैं, अखबार हैं, और इस तरह की जो टूट फूट से जो चीजें होती है, जिनको हम टाइम टाइम पे जब साफ सफाई करते हैं, स्टॉक क्लियर करते हैं, तो उनको हम सेल कर देते हैं। तो इनका ऐसा कोई पर्पस लाभ प्राप्त करने का नहीं होता है, बल्कि ये केवल स्टॉक क्लियरिंग के समय ये सब सेल कर दिए जाते हैं। तो इस तरह के जो प्रॉफिट होती है, इस तरह के जो लाभ होते हैं, वो समय समय पे कई बार होते रहते हैं। तो इनको हम आगमगत या लाभगत आय मान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, माल भेजने के अनुबंध के भंग करने पर चलाए गए मुकदमे के संबंध में व्यय। अब माल भेजने का अनुबंध था, कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया। जैसे कि हम देखा कि कई बार व्यवसाय में ऐसे होता है कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, लेकिन किसी भी कारणवश वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं पेनाल्टी के रूप में, दंड के रूप में, कुछ ना कुछ व्यय फिर करने पड़ते हैं। तो क्योंकि ये सामान्य व्यापार संचालन से संबंधित व्यय होते हैं, इसलिए लाभगत व्यय के अंतर्गत हम इनको शामिल करते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आयकर की अपील पर व्यय किया गया है। तो क्योंकि आयकर है, इनकम टैक्स है, सामान्य व्यापार संचालन के लिए इस तरह का टैक्स जो है, प्रोडक्शन पे जो टैक्स होता है, आयकर जो होता है, ये सब चुकाने पड़ते हैं। तो क्योंकि ये जो व्यय है सामान्य व्यापार संचालन से संबंधित है, इसलिए इनको हम आगमगत व्यय मान लेंगे। सिक्स पॉइंट में दिया गया है पूर्वदत्त बीमा। तो क्योंकि पहले से हमने अभी तक वो बीमा, अभी तक वो इंश्योरेंस ड्यू नहीं हुआ था, और पहले से ही हमने उसको पे कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में हम इस इंश्योरेंस को कैपिटल एक्सपेंस मानेंगे, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस को जनरली हम एसेट्स के अंतर्गत शामिल करते हैं, और इस पर जो दिया गया व्यय या आय जो भी हमको लाभ प्राप्त होती है, उस पे उसको हम क्योंकि पूंजीगत है, तो इसको हम पूंजीगत व्यय या आय में शामिल करते हैं। फिलहाल ये दिया गया बीमा है, पूर्वदत्त बीमा है, तो इसको हम पूंजीगत व्यय के अंतर्गत शामिल करेंगे। कारण देते हुए बताइए
कि निम्न मदें पूंजी व्यय है या आगम व्यय। खरीदे हुए माल का भाड़ा चुकाया, कैरेज पेड ऑन गुड्स। सेकेंड, नई मशीन लगाने वाले कर्मचारी की मजदूरी, वेजेस ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड फॉर सेटिंग अप न्यू मशीनरी। थर्ड, प्लांट के पुराने घिसे हुए भाग की लागत, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ अ वर्कआउट पार्ट ऑफ प्लांट। फोर्थ, क्रय किए गए पुराने फर्नीचर की मरम्मत, रिपेयर टू फर्नीचर परचेज सेकेंड हैंड। फिफ्थ, माल की पूर्ति के प्रसंविदे को भंग करने पर दिया गया हर्जाना, डैमेज पेड ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई सर्टेन गुड्स। यहां हम देख रहे हैं कि पहला जो पॉइंट है जिसमें खरीदे हुए माल पर भाड़ा चुकाया गया है, तो क्योंकि माल पे ये भाड़ा चुकाया गया है और माल जो है वो सामान्य व्यापार संचालन से संबंधित एक स्टॉक है, स्कंद है, तो इस पर जो जो भी व्यय किया जाएगा वो आगमगत व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ हम देख रहे हैं, नई मशीन लगाने वाले कर्मचारी को दी गई मजदूरी। अब क्योंकि मशीन है, नई मशीन है, उसको लाने ले जाने में जो खर्च होता है, वो स्थापित करने में जो खर्च होता है, वो सारी चीजें इसकी कॉस्ट में जुड़ जाती है। इसलिए यहाँ पर नई मशीन को लगाने में जो मजदूरी दी गई है इसको हम पूंजीगत व्यय के अंतर्गत शामिल करेंगे। तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, प्लांट के पुराने घिसे हुए भाग की लागत। प्लांट में अक्सर जब हम कोई प्लांट या मशीनरी यूज करते हैं तो समय के साथ साथ या लगातार उसको यूज करने से उसमें किसी भी प्रकार की घिसावट आ जाती है, जिसका डेप्रिसिएशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सामान्य व्यापार संचालन से संबंधित है, कोई भी प्लांट अगर हम चलाएंगे तो वो घिसेगा, उसमें घिसावट आएगी, कमी आएगी। तो क्योंकि ये सामान्य व्यापार संचालन से संबंधित है, आवर्तक प्रवृत्ति का है, इसलिए हम इसको आगमगत व्यय के अंतर्गत शामिल कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट यहाँ हम देख रहे हैं, क्रय किए गए पुराने फर्नीचर की मरम्मत। तो क्रय किए गए पुराना फर्नीचर की मरम्मत है, और ये चीज हमको ध्यान में रखना है कि जो फर्नीचर है वो एक तो स्थायी संपत्ति है और उसको क्रय किया गया है और उसके बाद फिर उसको मरम्मत करा के उसको ठीक ठाक कराया गया है, तो ठीक ठाक करा के फिर हम उसको अपनी यूज में लेंगे। यानी कुल मिलाकर एक स्थायी संपत्ति पर हम व्यय कर रहे हैं, उसको यूजफुल बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो व्यय किया जाएगा वो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, माल की पूर्ति के प्रसंविदे को भंग करने का हर्जाना। कई बार माल सप्लाई करेंगे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन किसी कारणों से इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाता है, ये प्रसंविदा भंग हो जाती है। सामान्य व्यापार संचालन से संबंधित क्रियाएं हैं, किसी भी व्यापार में इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो होते रहती है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पेनाल्टी के रूप में पैसा दिया जाता है। तो क्योंकि ये सामान्य व्यापार संचालन से संबंधित है, इसलिए इस तरह के जो व्यय होते हैं वो आगमगत व्यय में शामिल किए जाते हैं। एक कपड़े की औद्योगिक संस्था के निम्नलिखित सौदे के लिए जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए और मशीन खाता बनाइए। वर्ष 2002 जुलाई 1, एक पुरानी मशीन 10,000 रुपए में खरीदी। परचेस अ सेकेंड हैंड मशीन फॉर ₹10,000। दूसरा, उसे कार्य योग्य बनाने पर ₹400 व्यय किए। स्पेंट ₹400 टू मेक इट सर्विसेबल। थर्ड, उसे स्थापित कराने में ₹200 खर्च किए। स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन फॉर ₹200। फोर्थ, इससे संबंधित अन्य आवश्यक सामान ₹300 में क्रय किया। परचेस एडिशनल एसेसरीज फॉर ₹300। फिफ्थ, दुर्घटनावश मशीन को क्षति पहुंची, जिसके फलस्वरूप मरम्मत पर ₹500 खर्च किए गए। ऑन एन एक्सीडेंट द मशीन वॉज डैमेज रिलुकेंटली ₹500 वेयर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। नेक्स्ट, मशीन के फोरमैन को जिसे चोट पहुंची थी ₹500 क्षतिपूर्ति की गई। पेड कंपनसेशन ₹500 टू द फोरमैन हु वाज इंजर्ड। नेक्स्ट, मशीन के चालक का वेतन ₹1,000, सैलरी टू द मशीन ऑपरेटर ₹1,000। नेक्स्ट, मशीन के तेल आदि पर वह ₹700। पेड चार्जेस फॉर मशीनरी ₹700।
दिसंबर 31, 2002 नए मॉडल के आ जाने के कारण मशीन को 6,000 रुपए में बेच दिया गया। मशीन का मूल्यह्रास 10% वार्षिक है। द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹6,000। ऑन कमिंग द न्यू मॉडल डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज 10% पर एनम। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि हमको जनरल एंट्री करनी है और सबसे पहले हमको ये देखना है कि मशीन से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। इनकी हम जनरल एंट्री करने के बाद एक मशीनरी अकाउंट बना लेंगे ताकि हम ये पता कर सकें कि वर्ष के अंत में जो मशीन सेल की गई है उस पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, यानी और या फिर कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। तो 1 जुलाई 2002 को जो पुरानी मशीन खरीदी गई है उसके लिए हम फर्स्ट जनरल एंट्री पास करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि मशीनरी एक फिक्स एसेट्स है और उसको हम परचेस कर रहे हैं इसलिए हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। और जब हम फिक्स एसेट यानी मशीनरी को परचेस कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस से कैश जा रही है, तो प्रॉपर हमारी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और 10,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। सेकेंड हम पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं कि उसे कार्य योग्य बनाने पर ₹400 व्यय किए गए हैं। तो क्योंकि ये मशीन को कार्य योग्य बनाने के लिए किए गए हैं या हम कहें तो ये मशीन के कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किए गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में मशीन पर जितने भी व्यय किए जाते हैं वो सबके सब व्यय मशीन के कॉस्ट में यानी उसके लागत में इंक्लूड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे मशीन डेबिट टू कैश, क्योंकि ये वाला एक्सपेंस भी मशीन के कॉस्ट में जुड़ रहा है और ₹400 से हम इसकी एंट्री करेंगे। 1 जुलाई 2002 को फिर से हम देख रहे हैं कि उसे स्थापित करने में एस्टेब्लिश करने में ₹200 यहाँ पर पे किए गए हैं। तो हमने पहले भी देखा था कि मशीन को खरीदने से लेके उसको लाने ले जाने और स्थापित करने तक के जो भी व्यय होते हैं वो सब के सब मशीन के कॉस्ट में जुड़े हुए होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये जो स्थापना व्यय है ₹200 ये भी उसके कॉस्ट में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम फिर से वही एंट्री पास करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और ₹200 से हम इसकी पोस्टिंग करेंगे। फिर से हम देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट में 1 जुलाई 2002 को इससे संबंधित अन्य आवश्यक सामान ₹300 में क्रय किए। कुछ एडिशनल पार्ट है उस मशीनरी को ताकि उसको ऑपरेट कर सके, चला सके, तो वो हमने ₹300 में परचेस किया है। तो ये जो एक्सपेंसेस है ये भी मशीन के कॉस्ट में ही जुड़ेंगे इसलिए हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ हम देख रहे हैं 5 अगस्त को दुर्घटनावश मशीन को क्षति पहुंची जिसके फलस्वरूप मरम्मत ₹500 व्यय किए गए। अब क्योंकि यहाँ पर मशीन की दुर्घटना हो गई और फिर मरम्मत व्यय दिए गए तो ये मशीन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, कॉस्ट में हम इसको नहीं जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, टूट फूट होती रहती है मशीन में और ये आवर्तक प्रवृत्ति के हैं, बार बार होते रहते हैं, तो हम इसको रेवेन्यू मानेंगे। और यहाँ हम जनरल एंट्री पास करेंगे मशीन रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या हम इसको लिखेंगे मशीनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और अमाउंट हम इसमें ₹500 लिखेंगे। नेक्स्ट 10 अगस्त को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मशीन के फोरमैन को जिसे चोट पहुंची थी ₹500 की क्षतिपूर्ति की गई, एक कंपनसेशन दिया गया मशीन के फोरमैन को और ये भी आगमगत व्यय है, सामान्य व्यापार संचालन से संबंधित है, इस तरह की छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री करेंगे कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर हम इसको मशीन के एक्सपेंसेस में ऐड कर लेंगे, तो मशीनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे। 11 अगस्त को हम देख रहे हैं मशीन के चालक का वेतन ₹1,000 था, तो क्योंकि ये भी मशीन रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो इसको भी हम मशीन के कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे बल्कि मशीन एक्सपेंसेस में हम इसको डालेंगे। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी मशीन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगस्त 2002 12 अगस्त को हम देख रहे हैं कि मशीन के तेल आदि के व्यय, तो ये भी रिलेटेड टू मशीनरी ही है, मशीन से संबंधित व्यय है तो इसको भी हम मशीन एक्सपेंसेस में डाल देंगे और क्योंकि व्यय हुआ है कैश गया है हमारे पास से तो टू कैश अकाउंट करेंगे,
तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और 700 रुपीज से हम इसकी एंट्री करेंगे। 2002 दिसंबर 31 को एक पॉइंट यहाँ हम देख रहे हैं कि नए मॉडल के आ जाने के कारण मशीन को 6000 रुपए में बेच दिया गया, और इस पे डेप्रिसिएशन 10% एनुअल था। तो अब क्योंकि बेचा गया तो कितना लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, ये सब कैलकुलेट करने के लिए हमको अब बनाना पड़ेगा यहाँ पर एक मशीनरी अकाउंट। हमने जो जनरल एंट्री पास की है मशीन से रिलेटेड, उसी के बेस पे यहाँ पर हम मशीन का एक अकाउंट बना लेंगे, लेजर इसका बना लेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर हम मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट और 10,000 से इसकी एंट्री करेंगे। सेकेंड एंट्री यहाँ पर हमारी हो रही है, उसे कार्य योग बनाने में 400 रुपए व्यय किए गए। यहाँ पर हमने जनरल एंट्री की थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो फिर से हम मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट और अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर हम 400। थर्ड एंट्री हम देख रहे हैं कि मशीन को एस्टेब्लिश कराने में 200 एक्सपेंस हमने किया है, और यहाँ हमने जनरल एंट्री की है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर फिर से हम मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट रुपीज 200। फोर्थ पॉइंट यहाँ हम देख रहे हैं कि इससे संबंधित कुछ पुर्जे जो खरीदे गए हैं उसके लिए हमने एंट्री यहाँ पे फिर से की है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और फिर से हम मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट और 300 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मशीन को जब हमने बेचा है तो 6000 में हमने बेचा, लेकिन उसके पहले हम डेप्रिसिएशन इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये पता लगा लेते हैं कि क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो यहाँ पर हम पहले डेप्रिसिएशन देख रहे हैं कि 10% पर एनम डेप्रिसिएशन है। मशीन कितने की है? 10,000 की है। 10,000 की मशीनरी खरीदी गई थी 1 जुलाई 2002 को, और बेची कब जा रही है? 31 दिसंबर को, यानी 6 मंथ ये मशीनरी हमारे फॉर्म में रही है। तो 10,900 में का 10% 6 मंथ का हम कैलकुलेट करेंगे, 10,000 इंटू 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, क्योंकि 6 मंथ का है। तो ये हमारी अमाउंट आ जाएगी डेप्रिसिएशन की 545 रुपीज। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? जब हम डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री करेंगे तो ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू में से ही हमको डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो मशीनरी के अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये अमाउंट आ जाएगी 545 की, और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो मशीनरी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे वो हमने सारे यहाँ पे लिख लिए हैं। अब हम बैलेंस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मशीनरी का डेबिट साइड का बैलेंस आता है 10,900 और क्रेडिट में आता है 545 और 6,000, जिसमें कि हमने इसको सेल किया है। जब इस मशीन को हम सेल करेंगे तो हमारी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, इसलिए हम मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश और अमाउंट हम लिखेंगे 6,000। अब बैलेंस हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, 10,900 में 545 और 6,000 को माइनस करेंगे तो हमको जो डिफरेंस यहाँ पे मिलता है 4,355, ये हमारे लिए लॉस है। मशीनरी की वैल्यू से ये इतने कम में बेची गई है, यानी कि लॉस है, तो इसको हम लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी मान लेंगे, और यहाँ पर हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। निम्नलिखित लेन देन एक भवन से संबंधित है जो एक फर्म ने व्यापार के लिए खरीदा। The following transactions related to a building purchase by a firm for business purpose. First, एक पुराना भवन 4,000 रुपए में खरीदा। Purchased old building for rupees 4,000. Second, उसे खरीदने में 570 रुपए व्यय हुए। Spent rupees 570 in connection with purchase. Third, भवन के पूर्ण मरम्मत में 2,000 रुपए खर्च हुए। Spent rupees 2,000 for its complete repair. Fourth, भवन के अवशेष पदार्थ बेचे गए। Sold the scrap material of building for rupees
300। फिफ्थ, नगर पालिका को गृह कर दिया गया 200 रुपए। पेड म्युनिसिपल टैक्स ₹200। सिक्स, वर्षा से दीवार गिर गई जिसकी मरम्मत में ₹150 लगे। द वॉल फेल डाउन ड्यू टू रेन एंड ₹150 वेयर इनकरेड फॉर इट्स रिपेयर। जनरल प्रविष्टियां कीजिए, जनरलाइज द अबो ट्रांजेक्शन। यहाँ पर इन पॉइंट्स के लिए हमको जनरल एंट्री लिखनी है, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक पुराना भवन खरीदा। अब चाहे वो भवन नया हो या पुराना हो, लेकिन है तो वो संपत्ति। तो क्योंकि जब हम कोई संपत्ति खरीदते हैं तो हम संपत्ति अकाउंट को ही डेबिट करते हैं। एक तो वो संपत्ति है, स्थायी संपत्ति है, दूसरा वो हमारे फॉर्म में आ रही है। और क्योंकि हम इसको नगद खरीद रहे हैं तो हमारे पास से क्या जाएगी, कैश जाएगी। तो यहाँ हमारी प्रॉपर जनरल एंट्री हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट हम लिखेंगे यहाँ पर 4000। सेकेंड, यहाँ हम देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग को खरीदने में ₹570 व्यय हुए। कोई भी एसेट्स जब हम परचेस करते हैं तो बहुत सारे लीगल एक्सपेंस और एक्स्ट्रा बहुत सारे एक्सपेंसेस करने होते हैं। ये सारे एक्सपेंस अगर किसी फिक्स एसेट्स को परचेस करने से रिलेटेड हैं, तो ये फिक्स एसेट्स के कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये जो ₹570 व्यय किया गया है, इसको हम बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। यानी यहाँ पर हम सेकेंड जनरल एंट्री करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थर्ड पॉइंट यहाँ हम देख रहे हैं, भवन के पूर्ण मरम्मत में ₹2000 खर्च हुए। अब क्योंकि इसलिए भवन की मरम्मत कराई गई क्योंकि हमने उसको पुराना खरीदा था। अब ₹2000 अगर हम उसमें व्यय कर देते हैं तो वो रहने योग्य हो जाएगा। यानी कि ये व्यय जो है, ये भी भवन की जो कार्य क्षमता है, उसके रहने के लिए जो अतिरिक्त सुविधाएं हैं उनको ये बढ़ा देता है। यानी कहीं ना कहीं ये भी एक फिक्स एसेट्स की कॉस्ट है, बिल्डिंग के कॉस्ट में ही ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर हम देख रहे हैं कि भवन के अवशेष पदार्थ स्क्रैप्स जो थे वो बेच दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि बिल्डिंग से रिलेटेड स्क्रैप है वो, और ये जो हम खरीदे हैं उसी को बेचा जा रहा है उसी में से, तो यहाँ एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। फिर हम देख रहे हैं, नगर पालिका को गृह कर दिया गया। ये गृह कर आवर्तक प्रवृत्ति का है, आगमगत है, क्योंकि बार बार इस तरह के व्यय होते रहते हैं व्यापार में। तो इसके यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं कि एक दीवार गिर गई है और उसकी मरम्मत करवानी पड़ी है, तो ये रिपेयरिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।